नमस्ते बच्चों, मैं जीवीएन आयुषी शुक्ला, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथोलॉजी। सो टुडे वी डिस्कस अबाउट आइडेंटिफायर्स। हमने बेसिक स्ट्रक्चर देख लिया, हमने टोकन्स देख लिए, हमने कैरेक्टर्स देख लिए, एंड कीवर्ड्स एंड कैरेक्टर्स आर सेम। ओके, इन सी कैरेक्टर्स जो होते हैं और जो कीवर्ड्स होते हैं वो कैरेक्टर्स से मिलके ही बनते हैं, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कीवर्ड्स लाइक इंटीजर्स एंड फ्लोट्स एंड वैल्यू, जो वैल्यूज आप देते हैं उनके नेम से उनको कीवर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, अब अभी जो है हम डिस्कस करेंगे आइडेंटिफायर्स के बारे में। ठीक है, आ सी आइडेंटिफायर रिफर्स टू नेम यूज टू आइडेंटी अ वेरिएबल, फंक्शन, स्ट्रक्चर और एनी अदर यूजर डिफाइंड आइटम और एंट्री। अब आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, जो भी आप उनको वेरिएबल्स दे रहे हैं, लाइक जैसे हमने इंटीजर, जैसे एक वेरिएबल या इंटीजर, तो उसको आप जो भी नाम दोगे, वो नाम जो होता है वो उसका आइडेंटिफायर होता है। ठीक है, आइडेंटिफायर मस्ट बी यूनिक, जो आइडेंटिफायर होता है वो यूनिक होना चाहिए, मतलब किसी का भी नेम। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप एक ही नेम को लेके सारे प्रोग्राम में उसको यूज कर लो, दैट्स नॉट थिंग। अगर आप अलग डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स ले रहे हो तो उन सारे वेरिएबल्स के नाम जो होंगे अलग अलग होंगे। ठीक है, दे आर क्रिएटेड टू गिव इन यूनिक नेम टू अ एंटिटी आइटम वेरिएबल नेम टू आइडेंटिफाई ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। Identifier names must be different from keywords. ठीक है, because keywords are predefined. अब देखो यहाँ पे बात हो रही है कि जो identifier होते हैं आपको उनके नाम ऐसे mention करना है कि वो keywords के name से ना जाने जाए। Like जैसे integer एक keyword है, तो int अपन use करते हैं उस keyword को show करने के लिए। अगर आप उसके साथ किसी identifier का नाम भी integer ही रख दो या int ही रख दो, तो वो क्या होगा, वहाँ पे clash कर जाएगा, क्योंकि ये predefined होते हैं, जो कीवर्ड्स होते हैं वो प्री डिफाइंड होते हैं, तो वो उसको एज अ इंटीजर ही काउंट करेगा, ना कि एज अ आइडेंटिफायर। इसलिए हमेशा याद रखिए कि जो डिफरेंस होता है कीवर्ड और इंटीजर के नेम में, वो होना चाहिए। नाउ रिजर्व वर्ड यूज इन प्रोग्रामिंग, मैं बता चुकी हूँ। एज फॉर एग्जाम्पल, यू कैन नॉट यूज डबल एज एन आइडेंटिफायर बिकॉज डबल इज अ कीवर्ड। तो जो कीवर्ड डबल कीवर्ड है उसको आप आइडेंटिफायर की तरह नहीं ले सकते। यहाँ पे एक शॉर्ट एग्जाम्पल दिया हुआ। नेक्स्ट हम बात करेंगे आइडेंटिफायर के एग्जांपल के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इंटीजर रोल नंबर, डबल परसेंटेज मार्क्स, फ्लोट एवरेज। जो इंटीजर डबल और फ्लोट हैं, ये क्या है, आपके कीवर्ड्स हैं। ओके, जो आपको प्री डिफाइंड होते हैं सी लैंग्वेज में। और जो रोल नंबर, परसेंटेज मार्क्स और एवरेज है, ये क्या है, आपके आइडेंटिफायर्स के नेम है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, नीचे देखिए और भी आपके आइडेंटिफायर दिए हुए हैं। अब आइडेंटिफायर का जो नाम होता है वो आप कैसे भी करके ले सकते हो, उसको एक स्ट्रिंग है वो, तो उसमें आप कैरेक्टर्स भी यूज कर सकते हो, नंबर्स भी यूज कर सकते हो, स्पेशल कैरेक्टर्स भी यूज कर सकते हो, यहाँ पे दिया हो। और कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर कैरेक्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेशल कैरेक्टर नंबर कीवर्ड, ये यूज कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, लाइक जाकिर, राम, ए बी सी, मूवी अंडरस्कोर नेम, ए बी अंडरस्कोर 1 2 3। यहाँ पे आपको कुछ शॉर्ट एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ये देखिए सभी कॉम्बिनेशन है नंबर्स के, कैरेक्टर्स के एंड स्पेशल कैरेक्टर्स के। अकेला सिर्फ नंबर भी ले सकते हो, अकेला सिर्फ आप कैरेक्टर भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ रूल्स हैं, देखिए कि आपको आइडेंटिफायर जब भी बनाना है तो वो किस रूल पे बेस्ड है। ठीक है, रूल्स देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, द फर्स्ट लेटर ऑफ एन आइडेंटिफायर शुड बी आइदर अ लेटर और एन अंडरस्कोर। अ वैलिड आइडेंटिफायर कैन हैव लेटर्स बोथ अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स, digits and underscore, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। There is no rule on length of an identifier. However, the first 31 character of identifiers are significant by the compiler. ठीक है, ये यहाँ पे कोई rule नहीं कि आपका identifier का name जो है वो कितना बड़ा होना चाहिए, but 31 character तक उसको compiler compile करेगा। Must not contain white space. White space का मतलब होता है जो अपन किसी भी, जब like अपन name लिखते हैं तो उस नेम के बीच में जो अपन स्पेस देखते हैं ना, नेम एंड सरनेम के बीच में, वैसा स्पेस इसमें यूज नहीं करना है, क्योंकि ये वाइट स्पेस को काउंट नहीं करता है और आपको गार्बेज वैल्यू दिखाने लगता है। कैन नॉट यूज कीवर्ड्स एज अ आइडेंटिफायर, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि किसी भी कीवर्ड को आइडेंटिफायर की तरह यूज नहीं करना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक प्रोग्राम की, इसमें देखिए इंक्लूड stdio, ये अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में कि प्रोग्राम्स कैसे बनाए जाते हैं। ओके, तो उसका एक शॉर्ट एग्जांपल है, इसको ध्यान से समझिए। सबसे पहले इसमें देखिए लाइब्रेरी दी हुई है, देन मेन, देन वेरिएबल डिक्लेरेशन या डेफिनेशन और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें देखिए इंटीजर वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, इंटीजर वेरिएबल 3,
यहाँ तीन आइडेंटिफायर्स के नेम दिए हुए हैं, वेरिएबल वन, वेरिएबल टू, वेरिएबल थ्री, जो कि इंटीजर टाइप है. इंटीजर टाइप मतलब वैल्यूज जो है उनकी इंटीजर टाइप है. अब वेरिएबल वन की वैल्यू 6 है, वेरिएबल टू की वैल्यू 6 है, और सिंपल यहाँ एडिशन प्रोग्राम दिया हुआ है. तो वेरिएबल थ्री इक्वल टू वेरिएबल वन प्लस वेरिएबल टू, यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर यूज हुआ है, प्लस ऑपरेटर, ठीक है, जो इनको क्या करेगा, ऐड करेगा. तो प्रिंट एफ में वैल्यू किसकी चाहिए अपन को, सपोज एक और नया आइडेंटिफायर दैट इज सी, वैल्यू ऑफ सी. ये हमने सिर्फ क्या किया है, प्रिंट एफ. प्रिंट एफ क्या करता है, स्क्रीन पे आउटपुट जो है वो दिखाने के लिए यूज होता है, ठीक है. परसेंटेज डी स्लैश एन जो कि इंटीजर वैल्यू को कंसिडर करेगा, और वेरिएबल थ्री, देन रिटर्न जीरो. तो हमें क्या आउटपुट मिलेगा, सी की वैल्यू 6 + 6 क्या होता है, 12, दैट इज 12, ठीक है. नेक्स्ट ये जो आपको लिखा हुआ है प्रेजेंटली की टू कंटिन्यू, ये आपके प्रोग्राम्स में आता है, ये हम आपको बाद में बताएंगे. इन दिस एग्जाम्पल आइडेंटिफायर कौन कौन है इसमें, वेरिएबल वन, वेरिएबल टू एंड वेरिएबल थ्री. अब इसकी जगह आप कुछ और भी आइडेंटिफायर ले सकते थे, नो इशू. आप इनको सिंपली इंटीजर ए, इंटीजर बी, इंटीजर सी भी ले सकते थे, जिसमें ए इक्वल टू 6 हो जाता, बी इक्वल टू 6 हो जाता, एंड देन वेरिएबल थ्री की जगह पे सी इक्वल टू वेरिएबल वन प्लस वेरिएबल टू की जगह पे ए प्लस बी आ जाता. ऐसा भी आप ले सकते थे, कोई इशू नहीं है. सो सिंपली ये हमारे आइडेंटिफायर्स होते हैं. अब अगर आपको इनमें कोई भी डाउट है कि कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर क्या होते हैं, सो यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स, और भी कोई डाउट होता है यू कैन कमेंट इन कमेंट.